नमस्कार, मैं कुलदीप विद्यार्थी आप सभी का स्वागत करता हूं कवि चौपाल के अनोखे कार्यक्रम कवि चौपाल विद कुलदीप विद्यार्थी में। जैसा कि हम पूर्व में भी इस कार्यक्रम को एक लंबे समय तक चलाते रहे और उसमें हमने कई कवियों को आपसे मिलाया, जिसमें युवा कवि भी थे और वरिष्ठ कवि भी थे। आज हम हारुति के ऐसे प्रसिद्ध कवि, हास्य के परमाणुबम उन्हें कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे साथ आज हारुति के बहुत ही महनीय कवि श्री जगन्नाथ जी गोचर हैं। जगन्नाथ जी गोचर, आपका स्वागत है कवि चौपाल की इस कार्यक्रम में। आज हम कवि चौपाल विद कुलदीप विद्यार्थी में जगन्नाथ जी गोचर से उनके जीवन परिचय के बारे में और उनकी काव्य यात्रा के बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में और मूलतः शिक्षक रहे तो उनकी शैक्षिक यात्रा के बारे में और उनके जो मित्रगण रहे कवि चौपाल के इस कार्यक्रम में, उन सब की बातचीत होगी और कुछ कविताएं भी आपके लिए कवि चौपाल आज लेकर आया है। तो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई, क्योंकि श्रोता जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं कि जगन्नाथ जी गोचर हास्य के इतने बड़े कवि हैं, लोक गीत परंपरा के बड़े कवि हैं, वो उन्होंने ये शुरुआत कहां से की होगी। देखो जी, मारी वेशभूषा हाड़ोती, मारी बोली हाड़ोती, मारी भाषा हाड़ोती, मना हाड़ोती के ऊपर अपने ये जो भी छह चीजें यहाँ के ऊपर बहुत ध्यान दियो। और मना सबसे पहले मना 35 साल जो सर्विस है वह भी नहीं वेशभूषा में, बहुत बढ़िया। और क्यों इसे एक सबसे बड़ो उपाय दे कि आदमी अपनी पहचान बनाबा के लिए लाखों रुपया खर्च करे थे तो उनकी पहचान बना। जी जी, पर आपने तो फोकट में पहचान थे कि एक बार देख ले ये वेशभूषा है जो आखिरी तय न भूल। तो ये वजह से ये के ऊपर मैंने बहुत बड़ो ध्यान दियो। अरे माँ से मैंने हड़ोति की शुरुआत करी, पहले बड़ा था जब पेंट शर्ट पर था, बाकी ये पैसा में सर्विस में आबा के बाद मैं इसे लागो कि आपने हड़ोति भाषा आपने हड़ोति वेशभूषा यह बहुत अच्छी है तो मैं कभी कहीं सहज रखा। तो जहाँ आप अध्यापक हिंदी और संस्कृत करिया पर आपने राजस्थानी भाषा के माध्यम से लोगों तक पहुंच पाई की कोशिश करी, हारुति भाषा के ताई आपने ऊपर रखर और उनमें कविता मांडवा की कोशिश करी, तो यो कविता हारुति में लोक गीत मांडवा को आपको कशा मन में आई, कशा आपको ताई लगी कर आपको ताई हारुति में गीत मांडनी चाहिए। रघुराज सिंह जी हाड़ा एक बहुत पुराना कवि जा साहेबा, लॉकडाउन में शायद वहाँ को निधन हो गयो, पहुँच न पाया, बहुत सारे लोग वहाँ वहाँ भी न जा पाया। वहाँ को जो एक गीत जो बड़गांव को बन जा रो ये जो शायद गीत जमा का वहीं मारा मन का अंदर वहाँ गीता ने एक जगह करी और उनके साथ साथ मैंने भी कुछ लेखनी चलाबा की कोशिश करी। बस वहाँ से शुरुआत हुई, फिर प्रेम जी प्रेम को साथ में लियो, फिर धन्ना लाल सुमन को साथ में लियो, ये लोग वो लोग जा जो कम से कम धरती से जुड़े हुए जा। मन कहें कि गर्दना लाल सुमन ना प्रेम जी प्रेम ना मन होगा ना वहाँ चौंतरिया को बट बट खाली बोल दोरा बछा बछा और चौंतरिया को बट बट कवि सम्मेलन करिया, कहीं कहीं 51 रुपया पूछो, कहीं भी 21 रुपया पूछो। तीन तरीका से जब गाँव गाँव के अंदर पहुंचा तो वहाँ लोगों को उतना सानी दे रहे तो वहाँ लोगों ने मैं नहीं रहा। तो आप जैसे आप कुछ आपने जिसे बताया कि 21 रुपया को कवि सम्मेलन, 51 रुपया को कवि सम्मेलन और चूंतरी पर जाजम बचगी वही चौपाल लागी वही कवि सम्मेलन हो गया, तो आज को जो परिवर्तन को दौर छे जिमा आज अपन कैमरा के आगे बैठे जा कविता के बारे में बातचीत कर रहे जा, तो ये सारी चीजा जो बदलाव हुए यो बदलाव आपको कशो को लगे कहीं परिवर्तन नजर आ रहे जो कैसा दुनिया आगे बढ़ेगी। देखो दिशा की वैल्यू ज्यादा हुई है, प्रेम भाव की वैल्यू कटी है, पर पुराना जमाना में चूंतरे भर का गाँव बेड़ हो जाओ। अच्छा, आज की तारीख में भाई से भाई बेड़ो न हो जाए, मोहल्ला से मोहल्ला का लोग न मिल गया। वो जमानो वो जो दूनी गले थी तो दुनिया के ऊपर पूरा मोहल्ला का आदमी दुनिया को बढ़ जाओ जा रात रात भर बात करे जा कई कतरी तरह की ज्ञान की और की, तो छोटा बालक भी मत मत छवियों के बीच में बैठे रह जा। तो वहां देखो आप की प्रकार की बात होती है, कोई कहते हो मारे यो तू, कोई कहते मारे वो तू, पुराना आदमी कहते कि तू क्यों कहीं करो दुख तो मां तो सब तो पुराना जमाने में जारी माना था कि मैंने एक दादी से पूछ ली, मैंने एक दादी से कहा
सबसे बड़ो दुख शाम घाट का उपाड़ो। अच्छा। दूसरो दुख आंख्या गाड़े पर जाओ जाड़ो। तीसरो दुख मखड़िया उबाड़ो। चौथो दुख उधर कटा ले जाओ साड़ो। तो ये बात वहाँ वो जी मान लो। अच्छा। मैंने दाज कुछ सुख भी छह होता हो दाज कहा सुख भी छह हो मैंने की कैसे कैसे सुख अगर तन से सुख होगा तो न लागनी चाहिए कोई गाड़ी। तुलसीदास जी रामायण में कह गया कि पराधीन सपने सुख नहीं। सही। अगर धन से सुख पावा की हो तो न लागनी चाहिए कोई गाड़ी और धन से सुख पावा की हो तो धन बसानी चाहिए छाड़ी गरीब को धन से ऊपर उठा दीजिए उनको पट। सही बात। तो धन से सुख पावा की हो तो धन बसानी चाहिए छाड़ी और घर से सुख पावा की हो तो सपा कर उन्हें जाए गिराड़ी और भाई बना से सुख पावा की हो तो ज्याग सुनानी चाहिए गाड़ी। ये पुराना आदमी की कहावत तीन प्रकार के बात होती भाई वो प्रेम भाव तो खत्म हो गया। अब यह पाश्चात्य संस्कृति आई थी या आपने इसकी संस्कृति तो खत्म होती जा रही थी और आप अक्षर लोग जो है पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे। जैसे कि आप हास्य का मूल कवि थे लोक गीता में हास्य प्रकट कर वो एक आसान बात पूर्ण लोक गीत एक लंबी परंपरा रही हाड़ौती में और गीत परंपरा को जन्म राजस्थान में अगर कहीं हुए तो हाड़ौती में एक लंबी परंपरा प्रेम जी प्रेम जगन्नाथ जी गोचर दुर्गा दान सिंह गोड़ मुकट मणिराज और कई सारा गीतकार विष्णु विश्वास जी चे एक लंबी परंपरा गीता की हाड़ौती में दी छे वहां में जगन्नाथ जी गोचर को भी एक बहुत बड़ो नाम छे। तो आपने और लोक गीता में बाबू बंजारा जी एक लोक गीत परंपरा का एक बड़ा कवि छे वो भी हास्य में लोक गीत तो आप वहां के पहली की पीढ़ी छो आपने लोक गीता में हास्य प्रकट करवा की कई मन माई के लोक गीत के अंदर हास्य प्रकट करनी चाहिए। देखो जी लोक गीत कोई श्रृंगार को गा लीजिए कोई मौज को गा लीजिए कोई तो ये गीत सब मनोरस अपना श्रृंगार को ये हास्य रस ही जैसे करियो प्रसन्न हास्य रस भी हो और गीत भी हो और वह लोग जो कमी दिख रही थी अपनी वह मुंह में बताई जाओ। अच्छा। तो ये जितनी भी कुरीतियां चले जितनी भी कुरीतियां आई ना समाज में वह कुरीतियां से जुड़े हुए मैंने सब गीत लिखा। अच्छा। जो कुरीति भी कुरीतियों के ऊपर एक फोक्स भी दियो भाई कम से कम मी के ऊपर यह कविता बनाई तो वो संदेश भी मिले पब्लिक के तहत तो मैंने सारा जितने भी पूरी किया जो सभी जो गलत होती जाए काम होता जाए वो सब मैंने गीता में डाल दिया वहां से मैंने कहेंगे जो वहा सीरत पकड़ तो मतलब लोगों के ये विधा पसंद आई। हाँ। क्योंकि लोग गीत में हास्य पली शायद को न जो। हाँ। आपने वो हास्य के तहत लाभा की कोशिश करो लोगों ने एक्सेप्ट करो अपना लियो तो ई वजह से आप मूलतः हास्य में लिखने लगे। तो ये तो कवि सम्मेलन की बात थी कि जहां हास्य को पुट कैसे आयो लोग गीता में हास्य को पुट क्यों लेकर आया उनको भी एक मूल कारण रहो क्योंकि तनाव आज को कौन है एक लंबा समय से इंसान के अंदर तनाव है हालांकि आज के समय में तनाव ज्यादा हो गयो पर एक लंबा समय से तनाव था और वो तनाव भी दूर करवा के लिए और आनंद देवा के लिए लोक गीता में हास्य की जो स्थापना जी वो जगन्नाथ जी गोचर ने करी। मूलतः आप शिक्षक छो आपका शिक्षक जीवन में कहीं कहीं पड़ा हुआ आया आपने कहां से आपकी नौकरी लगी कहां से आप फिर रिटायरमेंट हुआ तो कुछ बारे में भी आप थोड़ा ध्यान आकर्षित करो। देखो जी गांव से छोटा सा गांव तो पहली बार तो नगर पालिका होगी पहले गांव से उठा गांव से उठा कहीं एसटीसी की ट्रेनिंग करी ट्रेनिंग करवा के बाद मैं फिर पोस्टिंग मिला तो सबसे पहले वहाँ बामला में मिले 8 महीना को मिले वह खत्म होगी फिर उनके बाद में दूसरा पोस्टिंग छावनी को मिलो कोटा तो मैं गया फिर उनके बाद माँ को जब बढ़ाई गई कार्यकाल तो फिर मैं कसार पहुंच गया कसार से फिर जब वो लंबी अवधि बढ़ाई परमानेंट कराया तो मैं छबड़ा के पास में पहले लोग कहते काला पानी छबड़ा के पास में फड़िया में भेज दिया मगर फड़े साहब कालो पानी कौन कपड़े फड़े वहां के लिए स्वर्ग जो क्यों जे आप जे अपना आत्मीयता का अगर लोक मिल गया तो वो तो स्वर्ग ही बिल्कुल है तो वहां से फिर मान कहेंगे ये खेल तमाशा शुरू करबला गया वहाँ रामलीला हो वहाँ ही कहेंगे वो कार्यक्रम हो चाहे गीता का तेजा जी गाओ जा गोथा गाओ जा तो अपन सब रंग में छा तो वहां में घुलता मिलता रहा तो वहां से जो चलन प्रचलन शुरू हो गयो कहीं रुचि बन गई कहीं गाबा का माध्यम कहीं गाँव कहीं गाँव तो कुछ लोग फिर मिले प्रेम जी प्रेम मिल गया धरना लाल सुमन मिल गयो तो धरना लाल सुमन हास्य को बमचो सा कोई दोराई कोई ना धरना लाल सुमन
प्रेम जी प्रेम वो आदमी छो सर, प्रेम जी प्रेम अगर कचरा में भी कोई चीज मिल जाओ उनको तैंक उतार वो पहुंचा सके जो वो लोग छा जन लोग ने कहेंगे कि मां लोग ने कहीं मंच दिया वो बता तो वो अच्छी। अब समय बदल, बिल्कुल समय बदल गयो। आप मूलतः संगोद का रबावा लगे और आप संगोद में विराजमान छो, तो संगोद में एक लोक परंपरा लंबे समय से चली आ रही है जी, अपन संगोद को नहान का नाम से पूरा विश्व जान जा आज की तारीख में, तो ये संगोद का नहान की भी कोई कहानी चगे या भाई ये यो क्यों संगोद को नहान प्रसिद्ध चतनु संगोद को नहान या पुराना जमाना में बादशाह का जमाना में अच्छा यो तालुकादार रहे छ जिसे बार वो गाँव छा ना लोग वसूली करे छा वो लोग वहां से तालुकादार कहे छा, तो वो तालुकादार दो आदमी छाया एक चौधरी और एक मुस्लिम समाज में सच्चा वो लीडर वो दोनों छा आदमी वहां का पूरा खानदान का लोग रहे छे कोटल कोई बारह कोई काम, तो वो पुराना आदमी छाया तो वहां ने की अपन बादशाह की मिलवा चला, तो वो लोग वहां पहुंच गए दिल्ली देखा तो सही आप बादशाह क्यों थे आप तो वहां का नौकर था, तो वहां कैसे कैसे उन बादशाह के तय कुछ कर्मचारियों का माध्यम से पकड़ कर दो आदमी कोटा रिया से आए थे, तो वो उन्होंने बादशाह ने बुला लिया उन बादशाह को, और वहां सवारी खड़े थी बादशाह की यहाँ जिस नार में जो सवारी खड़े थे ना यहाँ उसे वहां बादशाह की सवारी खड़े थे, वहां से कहते आप अपने दूर से आए थे एक बार हाँ तो आपका दर्शन करवाया, तो मानो क्या मांगते हो उन्होंने तो एक ही बात मांगी साहब माई दे एक ही इजाजत दे दो कि आप जैसे यहाँ खड़ो जो ना ये बादशाह बन बन बादशाह की सवारी अच्छा माई एक दिन वहाँ बादशाह की सवारी करना वो पट्टो वहाँ से निकल अच्छा दिल्ली से पट्टो दिल्ली से पट्टो वह ऊंचे ऊंचे नान, अब ये नान के अंदर फिर स्वांग शुरू कई प्रकार का गाजा बाजा नकला ओकला ये सब उनको साथ में जुड़ती थी या सांगा पटेल ने बसाई थी या सांगो अच्छा। सांगा पटेल गुजर छो या मीणा जाट बाहुल्य छो बाहुल्य है छो गुजर ने मुसोना आसपास का बारह खेड़ा उजड़ करा और वो बारह खेड़ा का लोग भी यहाँ बुला लिया अच्छा। बसाई या सांगो तो फिर वो सांगा गुजर कर बसावा के बाद में जब मीणा जाट ज्यादा हो गया तो फिर वहां का दिल में वो पटेलाएं आज भी गुजरा को डोल बाजी अच्छा, तो जब वो डोल पटेलाएं गुजरा की थी तो फिर मीणा ज्यादा ने कह रही सांगा पटेल को तो आधा गांव में बाज बाजो आधा अपना तो आपड़ बजाओ यही बात के लिए वहां के झगड़ो अच्छा, तो सांगा पटेल की भी एक रचना लिखी थी मैंने अच्छा, जो उनको शीश कटो शीश अलग पुजारी थे धड़ अलग पुजारी उनकी जो राणी सती हुई तो सती श्राप दे दी कहीं मीणार जाट को वंश में चालू हो आज इतनी बड़ी सांगोद में मीण और जाट को अच्छा जो पुरानी सांगोद थी जी के बीच ये भी एक अनछुए पहलू जो आपने सांगोद के बारे में आपको मगर श्रोता के ताई अवगत करायो, आप एक अच्छी परंपरा का कवि रिया और एक शिक्षक रिया, आज का युवा भी गीत परंपरा से जुड़ रिया छे और उतने में कुछ लिख रिया छे और लिखवा को प्रयास कर रिया छे, वो हास्य विधा में भी लिख रहा है वो श्रृंगार में भी लिख रहा है वो ओज में भी लिख रहा है, आप वहाँ युवा के ताई कई मार्गदर्शन दे बचाओगे जो लिख रहा है इस समय पर भारतीय भाषा में। मारो सिर्फ मासु एक ही निवेदन है कि जो पाश्चात्य संस्कृति आ रही है उनका ताई ज्यादा बढ़ाओ मत दियो और कम से कम अपनी जो हिंदुस्तान की संस्कृति है इनसे जुड़िया हुआ इनसे जुड़ी हुई रचना लिखो इनसे जुड़े हुआ गीत लिखो अपना संस्कार को पढ़ो ये बात आगे बढ़ाओ यहाँ में हास्य लिखो यहाँ में वीर रस लिखो यहाँ में श्रृंगार रस लिखो अपना गाँव ही देख लिखो ना वहाँ मनी अमेरिका बम्बई को कलकत्ता वो बम्बई वहाँ तो खूब भरी हुई वहाँ तो पाश्चात्य संस्कृति भर गई पर अपना गाँव का जो सहज हो ना यहाँ कता सही सिखाओ, तो एक लंबा समय से अपनी भाषा जो है वो मान्यता प्राप्त करवा के लिए तरस रही है, सब भाषाओं के ताई मान्यता मिल गई जैसे मैथिली के ताई मिल गई तो आपने राजस्थानी भाषा के ताई भी मान्यता मिलनी चाहिए तो सरकार का नुमाइंदा से आप कहीं अगर सरकार का नुमाइंदा ही इंटरव्यू देख तो वहां कहता है आप कई संदेश दे ताकि अपनी भाषा के ताई मान्यता मिलवा के लिए थोड़ा सा निवेदन
कम्मा को तो समय जाते जा रहे थे, पर कम से कम तो आप ऊपर का बैठे रह पड़ा लोग बाग आप जो भी छे काम कर सके तो कम से कम ये राजस्थान ही तो मान्यता दिला जाए जो मम्मा का समय मिले। बस यही निवेदन मारो राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से भी यही निवेदन छे कि ये राजस्थानी का जो कवि छे ये कलाकार छे ये लोग मूलतः चाहो छे कि भाषा के तहत मान्यता मिले, भाषा के तहत मान्यता मिलेगी तो मैं भाषा में पढ़ पाऊंगा, भाषा में लिख पाऊंगा और अपनी बात जैसे गुजरात का लोग गुजराती में कह सके छे, महाराष्ट्र का लोग मराठी में कह सके छे, तेलंगाना का लोग तेलुगु में कह सके छे और कर्नाटक का लोग कन्नड़ में कह सके छे, तमिल का लोग तमिल में कह सके छे, उसे राजस्थान का लोग भी अच्छा हो जाए वो अपनी बात राजस्थानी में लिख सके कह सके और अपनी बात रख सके। अब आप बातचीत का दौर ही अपने कविता का दौर में बदलना चाहो, अब मूलतः गीतकारों बात से आप समूह चाहूं आप अपना का श्रोता ने कुछ गीत सुनाओ ताकि वो भी लाभान्वित हो आपका गीता से, वो भी आनंदित हो, वो भी आह्लादित हो आपका गीता से। नाण मा दशहरा मा ये जो गीता की परंपरा थी तो एक गीत मैंने एक कोटा बूंदी जोड़ता हुआ अच्छा एक गीत लिखियो नाण मा भी खूब गाय और लोग खूब पसंद कर जा वो साज में गाय जाओ तो अच्छा अलगोजा ढोलक और मजीरा अच्छा तो वो आकाशवाणी पर तो रिकॉर्ड थे वहाँ तो भाई मुँह तो आप हमेशा सुना रहे बिल्कुल स्वागत है जी को नाम तो नगीनो अच्छा बहुत प्रसिद्ध गीत है आपको नगीनो स्वागत है आपको। अरे हेर बम पगलिया था क्या झांकत था क्या नेण हेर बम पगलिया था क्या झांकत था क्या नेण ई बरी मन तू पूछो गोरी कशा बिताई रेण नगीनो नगीनो मारो गम गयो रखे रिया यरी कोटा बूंदी राबादे वो नखराली तू क्यों गालरी काजल बींदी चार चोमा की सोर तीरे रेल गांव को हाट चार चोमा की सोर तीरे रेल गांव को हाट अर मेला में पर भारी खड़गी गण नाड़ू बा नगीनो नगीनो मारो गम गयो रे खेरिया एड़ी कोटा बूंदी बहुत बढ़िया। अरे रंग्यो चंग्यो पाल क्यो रे या नखराड़ीस रंग्यो चंग्यो पाल क्यो रे या नखराड़ीस अर बनाखना या पीहर जाव मन आवरीस नगीनो नगीनो मारो गम गयो रे खेरिया एड़ी कोटा बूंदी राबादे वो नखराड़ी तू क्यों गालरी का जल दींदी अरे कोई पूजे देवी देवता कोई पूजे भाटा कोई पूजे देवी देवता कोई पूजे भाटा पण मारे पूछ पछाड़ी दे कोई बाहर काटा नगीनो नगीनो मारो गम गयो रखे रिया एरी कोटा बूंदी अरे रंगे अरे ऊबट नंदी मुंह परू रे चामल तीरा तीरा ऊबट नंदी मुंह परू रे चामल तीरा तीरा अरे पाड़ पड़ोसी सुन ले गोरी बोलो धीरा धीरा नगीनो नगीनो मारो गम गयो रे गेरिया वेरी कोटा बूंदी राबादे वो नखराड़ी तू क्यों गालरी काजल बींदी इस तरीका से लम्बो चौड़ो जो नगीनो था अच्छा तो ही प्रकार का गीत भाई बहुत चले जा और वो गीत को खूब आनंद ले लोग आने आज भी हम आकाशवाणी पर जब साज में बाजे थे ना अलगोजा एक आपने बिल्कुल एक हिंदी पर बिल्कुल हिंदी में सोरठ छे और हड़ोती में राजस्थानी में अलग हो एक गीत और आप सुनूंगा एक गीत से आपको मांगरोल और शीश वाली का ऊपर एक उनको इतिहास कही से तो ऊपर आपने एक कल्पना कर एक इतिहास लिखवा की कोशिश करी से वो निवेदन करूंगा वो गीत श्रोता के लिए आप सुनाओ। आज से 30-40 साल पहले मांगरोल कवि सम्मेलन को निमंत्रण आयो तो वहां जाबा से पहले मन सोचे अपन पहली बार में इलाका में चाल देता तो कुछ चंद पंक्तियां लिख ले चला बिल्कुल तो जब मैं लिखवा बैठे रात को माध्यम जो रात का समय में तो यू मानो आप मारा दिमाग के अंदर दोनों गांव का नाम गूंजे शीश वाली मांगरोल तो मन में एक प्रश्न पैदा हो यार ये मांगरोल को नाम मांगरोल क्यों पड़े हो को नाम दमरोड़ पड़ जाते शीश वाली को नाम शीश वाली क्यों पड़े हो
हाथ आली पांव आली पेट आली वो भी पढ़ जाते हो। तो माँ का इतिहास कौन पूछे, तो माँ को इतिहास का आंसर खड़ी पूछवा जाओ, पूछू पूछे तो आपने तो सिर्फ कवि की तो कल्पना रहे, बिल्कुल आपने सिर्फ एक कल्पना करी। तो यार पुराना जमाना में जब ब्याह शादी हो जा तो लाडा लाडी बैलगाड़िया में हो जा, और वहाँ का जन जो मांग रोड के पास में रामगढ़ कृष्णाई माता को बहुत भव्य स्थान है, बहुत पुराना, तो वहाँ ढोक बाकी बोला रही वो लाडा लाडिया, तो लाडो लाडी के तह बैलगाड़ी में बिठा वहाँ ले जा रहे हो डुका वहाँ का साथ में कोई से अनमोड़ी घटना घट जाओ रास्ता में, तो अनहोनी घटना के ऊपर मैंने चार पंक्तियां लिखी है जो पुराना जमाना में होती आई है। होनी तो जरूर होई टाल सक्यो नहीं कोई, लेख जो विधाता न करम टाम लिख दिया, राजा नल सुन होई हुई भूल सक नहीं कोई, भीत मांड्या मोरड़ा ये हार भी नंगल गया, श्रवण जी न कावड़ उठाई सारी यात्रा कराई, अंधा माता पिता ही रे पानी पीला न सक्या, सात घर की अनार बीच काशी का बाजार, सतवादी राजा हरिश्चंद्र सा भी ये तो बीत गया। तो होनी तो वहाँ से आदमी के साथ में भी, तो लाडा लाडी के साथ में जो घटना घटी देखो आप, लाडो जब परण लायो सुंदर थी लाडी एक जान पाछी, लाडा का ही गाँव नहीं जारी थी, घर न ले जा बाप वाली नैया लाडा लाडिया गया, रामगढ़ी माता जी की ढोक की बोला रही थी। अच्छा लाडो जो होशियारी न गाड़ी में बठाने लाडी, लाडा लाडे की जोड़ी रामगढ़ जारी थी, गणि दर्शन की उमंग धोनी हर दम, बार बार तस्वीर दुर्गा की आरी, जेला माही सोच कर दुर्गा के द्वार पर, अपने दोनों लुल लुल शीश नवावेगा, पाक आशीर्वाद रामगढ़ की कसनाई थारो, माँ तो एक नयो संसार बसाऊंगा, के खेल गोदी माही बाड़ो हो कुड़ में उजाड़ो, जद बामना ही नूत थारे भोग में लगाऊंगा, कुटम कबीलो लार फेरू आऊ थारे द्वार, छोटा सारी बाल क्या न देवर उड़ूका, ये वहाँ का मन का अरमान था। पण होनी तो जरूर होई टाल सक्यो नहीं कोई, लाडा लाडे की रे गोडी गाड़ी चोरड़ा ने रोक ली, दो नंबर ली बात बोल एक न लियो शीश काट, चीजा सोना चांदी की ये लाडी की भी खोल ली, तो देख पति को रे हाल लाडी होगी रे बेहाल, बार बार राम गढ़ की रे माता जी ने खोस री, दुर्गारी मैया मारो खून चखी भैया, अब कहीं करूं जीरिया तो मर बाकी सोच री, तो धड़ गोदी में सुवाणियो धड़ गोदी में सुवाणियो शीश हाथ में रखाणियो, धर मन मर धीरे जी या रामगढ़ जारी छी, दुर्गा रे अम्बा अम्बा जगदम्बा जोर जोर सुर टेर कसनाई की लगारी छी, जब लोगा नल देखी कुण छर सी सहाड़ी, नाव दुर्गा को लेर बार बारी छलारी छी, आग आग गाड़ी जी में भटी छिर लाड़ी, शीश हाड़ी करती बीड़िया तो जारी। अच्छा वशीश वाली वशीश वाली, जग आयो एक खेड़ो जग आयो एक खेड़ो पार लगा दीजिए बेड़ो, सुन दुर्गा री मैया मारी सुननी पड़ेगी, मांग पूरी कर आज दुखियारी करी काज, नाड़ थन सुनी तई माता जोड़नी पड़ेगी, सुन दुर्गा महान थारो गाँव गुण गान, जद जानो थारा भक्त न तू जीव तो करेगी, मसू कद को लियो बर मही करी रांड बर, पण जद बाछी जाऊं मा जब तुम्हारी मांग जो भरेगी, जब दुखिया को लाई सारी धरती थर्राई, रामगढ़ की रे दुर्गा को आसन डोल गयो, गोदी माई धड़ उठ्यो हाथ सूर शीश छूट्यो, धड़ शीश एक हो गया मुखड़ा सु बोल गयो, ऊही खेड़ो आई ठोर ऊही खेड़ो आई ठोर, जहां बसी मांग रो दुखियारी की रे वहां मांग भरी थी, जहां हाथ ले रे शीश चाली वहां बसी शीश वाली, धड़ सूर नाड़ दूरी जार पड़ी थी, तो होगी दुर्गा की जय जयकार, लोग हो गया सब लार, रामगढ़ जारिया ने सेवारे करी थी, दुर्गा भवानी कृष्णाई महारानी, अम्बा अम्बा जगदम्बा ध्यान गोचर न धरी। ये आपने बीच हरुति का जाना माना हास्य कवि श्री जगन्नाथ जी गोचर, और आपसे फिर कोई अन्य कवि के साथ मुलाकात करूंगा, अश्विनी साक्षात्कार कार्यक्रम देखता रहो आप कवि चौपाल। आप कवि चौपाल यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुम्हारे पेज लाइक करो फॉलो करो, और यदि आप ये कार्यक्रम ही कवि चौपाल का यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कवि चौपाल का यूट्यूब चैनल ही सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो। आप यहाँ सु यहाँ का फेसबुक पेज हास्य कवि जगन्नाथ गोचर सांगोद के नाम से वो पेच आप जुड़ सकते, और यूट्यूब का माध्यम से भी आप यही
या को चैनल सब्सक्राइब कर यहाँ से जुड़ सके, जब ये की कविताओं को आनंद ले सके। जय हिंद, जय भारत, राम राम, राम राम सर।